वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेगा कुरुक्षेत्र के साई केंद्र का खिलाड़ी प्रिंस। साई कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी प्रिंस ने भारतीय वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरी एशियन चैंपियनशिप में जीता बेस्ट मिडल ब्रॉकर का खिताब। बुधवार को साई कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रिंस के सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। साई कुरुक्षेत्र के इंचार्ज एवं सीनियर हॉकी कोच गुरविंदर सिंह, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी यशबीर सिंह, वॉलीबॉल प्रशिक्षक शिव कुमार, सीनियर कोच सतपाल सिंह, कुलदीप सिंह बड़ैच, सोहन लाल सुल्तान, अजायब सिंह बहादुर ने फूल मालाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रिंस का स्वागत किया और साई की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रिंस की भूतपूर्व कोच बलवंत कौर ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रिंस व उनके वर्तमान प्रशिक्षक शिव कुमार सहित साई के सभी अधिकारियों और खिलाड़ियों को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा सिल्वर मेडल आया वॉलीबॉल में। आज तक ऐसा वॉलीबॉल में नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही है एशियन चैम्पियनशिप में। लास्ट टाइम एशियन गेम्स में नहीं आया, एशियन चैम्पियनशिप में उम्मीद भी बहुत थी, अच्छा चांस था। हमारा क्वार्टर फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान से हमारा सेमीफाइनल मैच था, फिर हमारा फाइनल चाइनीज टाइपे से था। तो आगे चैंपियनशिप के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो क्वालिफाई किया है, हाँ वो 2020 में होगी, उसके लिए भी हम अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे? जितने भी मेरे कोचेज हैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। हाल में ही संपन्न हुई थर्ड यूथ एशियन चैंपियनशिप अंडर 23 जो म्यांमार में संपन्न हुई है, उसमें हमारे साई के वॉलीबॉल प्लेयर श्री प्रिंस ने भाग लिया इंडिया की तरफ से और पहली बार प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ये बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है हमारे साई के लिए, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के लिए और हरियाणा के लिए कि ऐसा प्रतिभाशाली लड़का हमारे पास है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इसी प्रतियोगिता के बेस पर इंडिया की टीम ने आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें ये आगामी महीने में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं साई की तरफ से, जिला खेल अधिकारी की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से और सभी कुरुक्षेत्रवासियों की तरफ से इस खिलाड़ी को आने वाले टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देते हैं और ये मेडल प्राप्त करने के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।